हेलो गाइस, तो आज हम देखने वाले हैं फैक्टर निकालने की शॉर्टकट ट्रिक। वैसे हम सबको फैक्टर निकालना तो आता ही है, लेकिन बहुत बार एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है कि ये कोई पर्टिकुलर डिजिट है तो उसके कितने फैक्टर हो सकते हैं। अगर उसके अंदर हम ज्यादा टाइम निकालने बैठेंगे तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो उसके लिए शॉर्टकट ट्रिक क्या हो सकती है। तो ये हमारा 10 एक नंबर है, 10 का मुझे फैक्टर कितने होंगे वो मुझे दिखाना है। तो हम ट्री मेथड इस्तेमाल करेंगे। 5 2 10, क्लियर है? तो 5 कितनी बार आया? 1 टाइम। एंड 2 कितनी बार आया? 1 टाइम। दोनों के पावर के अंदर 1 इंक्रीमेंट कर देंगे, प्लस 1। उसी तरीके से इसमें इंक्रीमेंट कर देंगे, प्लस 1। ये हो गया 2 और दोनों का मल्टीप्लाई, आंसर आया 4। मतलब के ऐसे 4 नंबर होंगे जिसके अंदर हमें 10 मिलेगा, 10 उनके फैक्टर होंगे। एग्जाम्पल की ओर पे देख लेते हैं। 1 के टेबल में 10 आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 5 के टेबल में आएगा और 10 के टेबल में, तो 4 हमें मिले। एग्जाम के टाइम पे अगर कोई बड़ी डिजिट आ गई तो हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, ये सबसे आसान तरीका है। चलिए दूसरा एक नंबर देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा 24 एक नंबर है और हमें बताना है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे। तो सिंपल तरीका है, हमें जो भी नंबर के टेबल आते हैं उसी का इस्तेमाल करेंगे। 6 4 24, 6 किसके टेबल में आता है? 3 2 जा, और 4 किस में आता है? 2 2 जा। सो नंबर ऑफ 2 कितनी बार है? नंबर ऑफ 2 3 बार है। उसी तरीके से नंबर ऑफ 3 कितनी बार है? 1 बार है। बस वही चीज के अंदर पावर इंक्रीमेंट करेंगे। ये पावर के अंदर 3 + 1 = 4 मल्टीप्लाई इट इज, और ये 1 + 1 = 2, 4 2 जा 8। तो 8 ऐसे टेबल होंगे जहां पर हमें ये 24 देखने मिलेंगे। नाउ यू हैव टू फाइंड इट 156 के कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे।